बिगनो विनाशिनी तैयारी बढ़ते बसि भांग धतुरा बेटे अब रवि छापो पहला शब्द लिए समीर का छिला छिला अरे मम्मी देवऋषि नारद आज के हमारे पास क्या नो नारद बोल इधर नहीं हे नारद आज तो इतना सुंदर लग रही है ना हां क्या बताऊं मम्मी हे नारद आज अगर मामा देखेगा ना हां मेरे भोला महेश्वर मामा देख के तुमको एकदम पागल बन जाएगा सच में मैं तो नारद जानते हो मामी क्यों आए हो आज हम लोग का देवलोक में हाँ एक शादी होगा शादी शादी ये तो बहुत आनंद की बात है नारद हाँ परंतु किसका शादी होगा हाँ ये भी बात ठीक है किसका शादी होगा हाँ पति देव का ए नारद सच में तुम पागल हो गई हो कहीं पति देव का शादी होता है अरे जिसका शादी होगा उसका नाम ही पति देव है नाम ही पति देव है ये तो मैं पहली बार सुनती हूँ कि उनका नाम ही पति देव है अच्छा हाँ शादी में जाओगी अवश्य जाऊंगी अच्छा तुम्हारे साथ साथ कौन कौन जाएगी मेरे साथ साथ जितने भी 33 करोड़ की देवता है सब जाएंगे तुम्हारा सही है सब नहीं जाएंगे सब जाएंगे सहरी लोग अच्छा कौन कौन जाएगी हाथ उठा कर दिखाने बोले तो हाथ उठाइए जानते हो नारद बोलो मामी तुम बोलो अरे मेरा सहेली लोग का जो है ना भगवान हाथ ही नहीं दिया अच्छा उठाएगी उठाएगी ऐ सब कोई मेरे साथ जाने के लिए सब हाथ उठाओ जानते हो नारद थोड़ा बहुत को हाथ दिया नहीं तो सबको बड़का बड़का दांत दिया दांत निकाल रहा है शादी में जाएगी अवश्य जाएगी जाएगी ना जाएगी ना सब जोर से जेब से बोलिए हमने बात तो नहीं उठाती आपके बात में उठाई प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की हाथ क्यों उठाई बताओ क्यों आप इधर आ जाइए हाँ दुर्गा देवी के नाम हुआ तो हाथ उठा लिए मतलब नया साड़ी मिले तो इसलिए कुछ बाप दुर्गा देवी के नाम से अगर हाथ नहीं उठाएंगे तो साड़ी नहीं मिलेगा और जो जो माता और बहन हाथ उठाई है तो जिसका शादी नहीं हुआ तो उसका तो ठीक है और जिसका जिसका शादी हो गया सौतन घर आएगा सब कोई अपने अपने पति का शादी में जाओगी ना ठीक है ठीक हाँ ओ अभी हाँ नारद हो गया हो गया चलो नाश्ते नाश्ते जाते हैं परंतु नारद लेकिन इनको कहा बात क्या बोली क्या बोली है बोले सुनो रे भवानी मेरा कहना नारद अरे नसीब तेरा फूट गया इरा फिर ना मुझे कहना देव ऋषि नारद तो मैं भी कुछ खबरी आनंद के बाद सुना रही थी और अभी बोलते मेरा नसीब फूट गया अरे भजन नहीं मिला अरे नाश्ते नाश्ते जाएंगे गीत तो होना चाहिए नारद इसीलिए नाश्ते नाश्ते जाएंगे तुम्हारे बात में कुछ संकोच आ रहा नारद हाँ नाच भी लो अच्छा बोलो सुनो रे भवानी मेरा कहना बोल नारद भाग्य तेरा फूट गया है ये कैसा बात है फिर ना मुझे कहना भाग्य तेरा फूट गया है फिर ना मुझे कहना भाग्य तेरा फूट गया है फिर ना मुझे कहना पता तो कन्हैया नाम हस जावा हो पता तो कन्हैया नाम हस जावा
बता दो कन्हैया को ना में हसदामा हो बता दो कन्हैया सुनो रे भवानी मेरा कहना सुनो रे भवानी मेरा कहना भाभी तेरा पूछना फिर मुझे कहना भाभी तेरा पूछना फिर मुझे कहना जानती हो बोले बोलो ना बोलो बोलो ना क्या बताओ मामा जीजा हाली में मामा जीजा हाल मामी हुआ बुरा हाली में मामा जी का हाल मामी हुआ बुरा हाल ये क्या बताऊं मामी मामा जी का हाल ये क्या बताऊं मामी मामा जी का हाल ये आज गयो काम से मामा जी का हाल हुआ बुरा हाल ये मामा जी का हाल मामी अच्छे जानती हो मामी कई बार सुने हो कोई देवता का नाम पति देवता होता है प्रेतु नारद ये तो बात मैं पहले से सोच रही थी इसलिए दूसरे का पति नहीं मामी तो आज जो शादी होगी ना तुम्हारा पति देवता ही नारद ये बात बोलने में तुम्हारा शर्म नहीं आ रही शर्म आ देवऋषि नारद हाँ तुम्हारा पति शादी करेंगे उसे तुम्हारा पति को शर्म नहीं है और मैं बोलूंगा तो मुझे शर्म आना चाहिए तुम्हें पता है नारद मैं इसी देवलोक में सबसे विश्व सुंदरी कन्या मैं आदाशक्ति भगवती हूँ मेरे रूप के आगे और कोई भी नारी नहीं है कर सकते हैं देव महादेव अच्छा तुम्हारा आगे में किसी का रूप नहीं नहीं स्वर्ग मर्द पता तीनों लोग में किसी का नहीं है तीनों लोग में तुम्हारा आगे किसी का रूप नहीं है नहीं है पूछे हाँ छोटू तुम बताओ अच्छा बताओ ये देखने में सुंदर है ना ये सुंदर है देखने में बताया ना इस सज सज के आ रही सज की तो सही में तो रखा ना मोगी मिला अच्छा तुम बताओ तो छोटू देखने में सुंदर कौन तो है बेटा हुआ ये तो इससे भी सुंदर तेरा पत्नी होगा आशीर्वाद दिए हो गया मामी हाँ हो गया क्या बताओ मामी अच्छा मामा जी के पास जब कैलाश पर्वत पर गए गए मामा जी बोला क्या बोला भगना नारद हाँ जल से जाओ भपका बाजार भपका बाजार वहाँ से लाओ संग और सिद्धू प्रेतु नारद संग सिद्धू क्या करेंगे संग और सिद्धू बैठ बैठ के मामा खाएंगे कैसा मामी है बोलता आत्मा शक्ति संग और सिद्धू में शादी होता मामी शादी शादी तो देवादी देव महादेव आज कैलाश पर्वत में फिर नया शादी करने जा रहे हम दिखा सकूंगा दिखाएंगे दिखाओगे
ठीक है नारद, चलो आज मैं उसी सासी में दूंगी उस भांगुरा को। जा मामी। अच्छा मामी तुम एक बात बताओ। हाँ, जब स्वर्ग मर्त पाताल तीनों पृथ्वी को एक साथ में देखती हो, हाँ, कौन सा आंख से? त्रिनयन से। माने दिव्य शक्ति नयन से? दिव्य शक्ति नयन से। आप दिव्य शक्ति नयन से देखे थे, सुंदरी है या नहीं? सच बोलते हो नारद? नारद तेरा बात सच निकला, तुमसे भी सुंदर है, लेकिन जानती हूँ नारद, हाँ तुम मेरे पास रहना, ठीक? नहीं, मेरा बात मत करना। ठीक है, आज मैं इस भांगुरा को मैं उचित शास्ति में दूंगी। ओ मर्दो, ठीक है, मैं पहले अपने पति को मैं प्रणाम करूंगी। पति जैसा भी हो, पति परमेश्वर होते हैं, पहले इनका चरणों में प्रणाम करके आज मैं इस नर्तकी के भी और इस भांगुरा को भी मैं उचित शास्ति दूंगी। प्रणाम हो पति देव। एक ही नारद मुनि ने मुझे सुनिला, ये मुझे सुनिया सकलो देखिया सकती सिप पड़े को पड़े बोली छ भानी पढ़ के नछ तुमी एक अरु कमीनी आमी बोली सी गोड़ा बुद्धि विपरीत मोर घरे भात भाई कर दी तो गी बारो खानी ढेकी बुढ़ा तेरो खानी कुला और कत झाड़ी बो बाग तो तुरंत बुला आकार रूपी भात पूरा गड़ गड़ पड़ी पाव धो खुश बुढ़ा मैं झारो पड़ी निसार छोटी भात खाओ पेट नहीं भरी कार्तिक गुने समान अनहार भर गई और पुरुष छिले में दुख तो बदल खाई कार्तिक गुने समान अन्य तिला लाई आमी बोली सी बुढ़ा बुद्धि भी पूरी और गुने भात नहीं कर दी तो गई खाक तो हो छोटी खाक तो हो ताली नोट तो की तभी तभी आत्म परिचय दी भिकाचे दी को फोरिया को ही अमी कार्ति को जनोनी सोखरे पे को करना आपनों का जय माँ दुर्गा जय माँ दुर्गा हे मुन्तु नंदिनी तुमी गणेशीर माता जय माँ दुर्गा মানুষ কুলিতে জন্ম জাতিতে বানিয়া চম্পক নগরী ঘর বসি মোর শ্বশুর সদাগর চণ্ডী ভক্ত শ্বশুর আমার অন্য নাই জানে ভবানী শঙ্করী পূজে পদ্মা নাহি মানে সেই কূপে পদ্মাবতী আমায় কইল রারি কাল রাত্রি না হইন অষ্টচারী দেব সারা হয় আমি পূর্ব জন্ম জানি দেবীরে ভবনীর দেহ জন্য পানি কাটাকাতে দিতে পারি কাটার সম্পদ সম্মান তোমার আগে ন্যায় বুঝি দেহ প্রভুদান বেশ তোমার সকল দুঃখ আমি বুঝতে পেরেছি নাই মাঙ্গি ধন বর নাই মাঙ্গি শাসন সমিধান দিয়া তাকে পাঠাও চমচমা নগর প্রথম জীবতারী সবার ভক্তর সমিধান দিয়া তাকে পাঠাও তার ঘরে বাগান বাড়ি পাঠিয়া তার সাত পুত্র মারি ধরে চরে চোদ্দ ডিঙ্গা ডোবায় সবরি ভক্তার কপটি না ভালো আমি জানি মায়ের কান্দন কান্দে বেটি চোখে নাহি পারে সেই মনসাকে ডেকে তার উচিত বিচার করে দাও তাই হবে চন্ডি তাইলে বস কথাই ভগ্ন নড়ো হ্যাঁ বাবা তুমি এই যে তোমার মামির সঙ্গে ঝগড়া লাগিয়েছ তাই তো আমি কিছু বলিনি ও তুমি কিছু বলনি তাই তো
তাইলে ভাগনা নাড়ো হ্যাঁ বলি মা যখন তুমি ঝগড়া লাগিয়েছো হ্যাঁ যাও এই যে যত দেবদেবী আছে সবাইকে নিমন্ত্রণ করে দেবে আজকে কৈলাসে নটনে নৃত্যগান হবে সঙ্গে সঙ্গে হবে দেব সভা তাই হবে মা কাও দেবগণ তৈয়ার হয়ে যাও आज कैलाश पर्वत में देव सभा का आयोजन हुए हैं सभी को आमंत्रित किए जाएंगे हो तूने आज भी रचा भगवान खिलौना माटी का कथा जगमान हो तूने आज भी रचा भगवान खिलौना मातिया प्रणाम भई इंद्रदेव कल्याण भवन ऋषि नारद आज के स्वर्ग लोक केनो इसे छी जाने केनो इसे सो अमर अमरावती इंद्रपुरे आज के कैलाश धाम में देव सभा आयोजन होई छी देव सभा आयोजन सेखान हबे नटनी नृत्य गीत ताई तो एई स्वर्ग लोके जत देवता आछे सकल के आमंत्रण दिलाम अमर इंद्रपुरे जतटी देवगण आछे সবাইকে আমি এই মুহূর্তে নিয়ে যাব কৈলাসে তুমি আজ যাবি রাজা ভগবান নারদা ভালো আছিস রে ভাই হ্যাঁ ভালো আছিস হ্যাঁ चलो कहाँ पापा के पास पापा का पास पिताजी के पास क्या होगा वहाँ पर एकदम नित्य गीत नित्य गीत गणेश का गणेश गणेश उदय है काले भाई गणेश अजय 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 वाह 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 क्या एकदम संस्थ के एकदम लो आमंत्रण दो कैलाश में जाना है चलो नाचते नाचते जाते हैं बोली आंख किए हरि दर्शन करने सभी जगह आमंत्रण दिए हैं और ये है जमलो बज गया जमराज और जमराज के पास इतना पापी आत्मा है उसको देखने का मन नहीं करता लेकिन जाना तो पड़ेगा तीस वर्ष जन्म लग जाए ना रहे हम हो एकदम राजा जम 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 है हम जितना भी जीव जंतु पापी आत्मा का मालिक है हम पाप दिमाग इतना जमराज में पापी आत्मा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी
हे नाथ नारायण कने वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण कने वासुदेवा सभी पापी आत्मा का तुम उद्धार कर दिए हो, छोड़ूंगा नहीं। अच्छा जमराज, मेरे मुंह पर किसका नाम रहता हमेशा? जो बोले थे वही नारायण। गुस्सा मत करो, किसी शब्द मेरे सामने मत बोलो। जितना भी पापी आत्मा थे उद्धार हो गया, सब उद्धार हो गया। अगर बोलोगे तो और भी दूसरे बोलोगे, जो बचा वो भी उठा। अगर इसे नाम का नारा लगाओगे यहाँ? नहीं लगाएंगे। तो तुम्हारा भीतर के आत्मा को यही जम कुंड पर लग देंगे। गुस्सा मत करो नारायण, ये लो आमंत्रण लो। किस लिए? आज ना कैलाश पर्वत में, कैलाश पर्वत में नाचने गाने का, नाचने गाने का आयोजन हुआ है। कैलाश पर्वत पर होगा नृत्य गाना। हाँ, तब तो बहुत अच्छा लगेगा। लो निमंत्रण। हाँ हाँ, दो दो दो, और भी देखना बुलाना। हाँ चलो, चलो। हे नाथ नारा भोगनी मनसा। दादा गो आओ बन विषहरी, समय के अनुदय अमर निकटे। तुम्हें भी जाना पड़ेगा कैलाश पर्वत, वहाँ पर देव सभा बैठे हैं, सभी देव देवी का आह्वान हुए हैं।
आगमन हुए हैं, तुम्हें भी जाना पड़ेगा दादा को। एक बुरी में साथ साथ देव सब होए जो सही कोई लास्ट बुरी दे कोनो दिन भी तैयार भाई निमंत्रण न कर लेना आज हॉट आते निमंत्रण न करे चाहिए सही देव सब ये मेरे पार बोले दादा को साथ मेरे चे मामा का काली के हेता ले बाड़ी सही भी सही दिया हमारे सारे बाग में चाकर तक जोर हुए चे दादा को बहुत बुखार है रहो मामा जी को मैं समझा तुमको जाना नहीं बेसिक प्रणाम हो मामा आशीर्वाद करता हूँ भगवान नारायण विसरी नहीं आ सकती है क्यों विसरी क्यों नहीं आ सकती उसे बहुत जोर का बुखार हो गया एक ऐसा बुखार है भगवान नारायण एकदम गुलगुल ओ गोल कर कर बुखार है गोल करके बुखार है पीठ में है फिर गले में नहीं गले में नहीं है नाक में है फिर कपाल में नहीं कपाल में नहीं है हाथ के देखते हैं एक जगह भी नहीं भागना लड़ात जाओ तुम्हारे साथ कार्तिक गणेश को संग लेकर जाओ मनोसा जदि स्वेच्छा में जदि नहीं आए उसे हाथ में बंधन देकर ठंड ठंड हमारे पास लेकर आओ कुतराई भाई कार्तिक गणेश चलो बिचारी के पास ठीक है चलो जाते जाते नाचते नाचते जाओगे हाँ चलिए गाना बोलिए हाँ ओ नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का हो सजा ना रहा है सजा ना रहे ये जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना 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 किसी का अरे बहन बिसारी दादा को तुम्हें जाना पड़ेगा आमी तो तुम्हें ही बोली थी अभी से देव सब आज जैसे पार बोला जाता है नहीं जा सकती हूँ ना कहाँ भाई कार्तिक तो उसका हाथ में बंदर लगा है एक ही कोल्ले को नारद दादा अवश्य से तुम्हारा सकले मिले हमारे हाथ से बंद होने दिले यो कि यो ही ना रो दो हे या जो कहनो हस्ते के Thank you.
आशीर्वाद करी बड़ो सर पदार देखे अभी पड़वा धरी और ठीक सिंहासन दिया बोसाई लगी पिता को अमर हस्तिर बंधन मुक्त करो पिता ताई हवे माँ अगदेवादी देव महादेव भला महेश्वर है आमादर के निमंत्रण दिए छे देव ऋषि नारद कि कैलाशे आज के नर्तनी नृत्य गान हवे ताई जमरा हमरा नर्तकी के देखते पाई ना चलो चलो हमरा निये निये स्थाने बा धराव देवगण सवाई धराव हवे नटने नृत्य गान हवे सवाई निजे निजे जगाई बसो ताले बेहुला रोटड़ी ए जे नृत्य करे तुम्ही सकल देव देवीर मन के जय कर ढोल को मुंदीरा देहाल सितारा इनियो Oh,
सकल देव देवी दर्शन कर তুমি কিন্তু বেমুখ হয়েছিল দাঁড়িয়েছিলে মা পিতা গো সেই নটনীকে তো আমি চিনি না পিতা ও বুঝতে পেরেছে মা সেই নটনীকে তুমি চিনো না তাকে তুমি জানো না তাই তো না পিতা না তাইলে বিহুলা নটনী তুমি সে তোমার আত্ম পরিচয় মন সাদ বিকে দে হ্যাঁ হবি ও স্বামী সুন্দরী বাণী রাজারি কুমারী অনিরুদ্ধ কামিনী নন্দন স্বর্গেতে ছিলাম আমরা অনিরুদ্ধ ওষা সত্য করে পৃথিবীতে নাম হলো মনসা মারিয়ে জন্ম হলো শহরজারে ঘরে ঘটকটি পেয়ে চম্পক নগরী শ্বশুর মোর চণ্ডী ভক্ত অন্য নাই জানি ভবানী শঙ্করী পূজে পদ্মানি হিমানি সেই কপি পদ্মাবতী আমায় কইল রাড়ি জলে তো ভাসছিলাম বিহুল আসল পিতা হ্যাঁ সত্যি পিতা আমি বলি শুনবিতে আমারই বচন আমি তো না জানি পিতা তার বিবরণ আমিও বিস্তার জানি কইয়া নাই কান তোমারই বলিনি পরিস্থিতি হবে লাল ঠাকুরের কোন তুমি নাম পদ্মাবতী শত দোষ থাকলে তুমি বড় সতী ঠিক ঠিক পদ্মাবতী ঠিক কর্ম তোর এত দোষ থাকলে তুমি দোষ দাও কাল রাতে রাড়ি করেছ পূজা খাবার আছে স্বামী না জেনে তুমি জেতে দেব না আছে বাগান বাড়ি কাটে সাত পাত্র মারি ধনে ধনে চতটিকে ডুবালে সাগরে লাটটা হনি গুলো তোমার পাটটা হনি গো আমার স্বামী খাবারই এত বড় গুণ छटपटी এই বেটিনি মনি আমি বুঝেছি সত্যরে উচিত না বলে পিতা বিপদে চণ্ডী কারে ডরে অবধি শ্বশুর স্যার হই বোঝা ঠোঁটা আপনার দোষ তারি পাখে গেল কাটা কুলটা আসিয়া মিথ্যা কহিল সবতে বিচারিয়া দোষ করে জানি না পশ্চাতে নগরের বেশ জাতি হয় দুষ্ট বটে সব হয়তো দুর্গল পিতা নাকদান কাটে নাকদানে চলে গালি পাঠাই বলেছে মরতে রে মানব দেখিয়া দে দিবার এই দেখি বিমাতা তুই তার চুল কাটতে পারবি না জানিস আমি ছাক্কা ছিনারি বেটি দেবনা ভাসারি বাড়িবতীর চুলের বাড়ি পাঠাইব জপুরি ছাক্কা ছিনারি বেটি পদ্মাবতী কানি আমি বলি বেমাতা না বলি অবন্ত আমি যদি বলি তবে লেগে যাবে দন্ড 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 অরি কারি পদ্মাবতী তার
स्वामी के जीवित करे दाओ नाली देव सबाई तो माई जैत्री देव बोला आमी बोली भी मत ना करियो सोची बोला जो दी अल्प बोली भी मत तब ही हमें जाना आमार ये भी सब माजरे तो भी सोती तेरी पड़ी चाहिए जी बिचोली छोरी मत आमी तो माई देव सबाई छेरे देव ना भी मत को आमाई पत्ता बच्चे मोर सोती तार लो की बागोती हंसी हंसी करी लो तमाई कलम की पत्ता सोती बोले छोरी आमी सोती सोती जो दी आमी ना सोती हबो ताहले तुम्हें क्या मन सोती भी माता देखा मन सोती तार बहुई लकी भागोती मासूरे होड़ी अक्षरगा होई लकी लंगेने और सुरक्षित निजेर बहु बोले अभी ताकि शोक 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 क्या भी विनाश करी ची सर्वनाश करी ची बहुत तब के मन सोती तार लकी भागोती हासिर हुसैन कर लो कर लो भी माता देखा मन सोती तार बहुई लकी भागोती लाभोंने होड़ी अभी माता होई लकी लंगेने जानो रावण भाई कलंक के निकली नहीं अमी से असल रूप क्या अमी दूरे रखे अमी गये चिलाम से रावण के विनाश कर ची पत्ता बच्चे मोर सोती तार हल्लो की बगाती हाल बात बच्चा तुम्हारी कोरी बात कलंक की बीमाता तबे सुन बे तमार सोती तेरी पड़ी चाय कौन बात करे सर्वन करो अरे बीमाता जे है क्या मोर सोती तार बहुई लोग निभागोती यसुरे करिल कलंकी अरे यसुरे करिल कलंकी माता जे काम सोती सर्वहि भगवती यसुरे करिल कलंकी अरे कारी पत्ता बोती और सुरमाई कोलक के निकोड़ी नी पद पद के मोर सोरी तोर हलो की बागोती पिता ते कोड़ी छोड़ कोलक के निची तमार पिता तुम्हें बिये कोड़ी चोई सिरो बीस के भी सब भार पिता वन चना वाणी यामाल भी सब ते जेट होलिया पड़े कमले रिवार पिता ये मैं ना चिंते ना पड़े पिता ये मैं ना ये उन्हें को समझ चलो दारू जिन सस्ते सलम पिता के भी तमे तुम ही क्या मन सोती अरे भी माता जे क्या मन सोती तर बहुत की बागोती तो ये अच्छा है क्या मंत्रों को लोग किन्हीं को लिखी ऐ अमीन पत्ता बोती का बिच्छेद दे बना मारी बोली बो छोले बड़ी पाठाई बो जो छोड़ी की कोड़ी कोड़ी में एक तीर पुड़ारी हाँ हो चंदे अंत हो ताईगे मनोसा गाला गाली था को मैं खाने आगे साक्षी परवाल हो बेशिसा गाला गाली पोस्टर था को कुमिता नर्त के क्या बोला बिता पूरा पुड़ी कोड़ो हाँ ताहले भी भूला न रही तमार का छे किछु साक्षी आछे रही छे ताहले बोलो ए जे तमार की साक्षी आछे आगे बसे छे दिमयशर आर बसे छे चंडी देवी जगती माता तिनी रे जानी मोर पूर्व जन्मेर कथा आर साक्षी रे छे इंद्र देव देव अधिकारी ताठा यानी आछे विश्वहरी आर साक्षी रे छे निद्रा जमराज बसे आछे आगे तिनी जानी मोर स्वामी के खाई आछे काल लागे सकल साक्षी नाम देव सबाई कई बड़ बड़ो साक्षी नाम कही थे लड़ाई ये होला वाली लो साक्षी इंद्रो देखती जानिया तभी ये नौना दाव होता हे प्रभु আমি অনেক কিছু জানি তাহলে বলো মনসাকে আমার কুড়ি অনিরুদ্ধ ভূষাকে দশ বছরের জন্য এনেছে ভিক্ষা করি তাই বিবাদ বাধাও কিসের কারণে অগ্নি মনসা তা বচনে প্রণাম জানা ইন্দ্রদেব আশীর্বাদ করি পিতা আমার সময় হতে চলেছে
तुम्ही जे 10 वर्ष यानी इसका मतलब 12 वर्ष के लिए तुम जो अनिरुद्ध उषा को मेरे पास से मांग कर लाई है, समय होने जा रहा है, क्योंकि अनिरुद्ध उषा के कारण मेरा इंद्रपुरी शून्य सा लग रहा है। इंद्रदेव तुम्हारी अनिरुद्ध उषा भारतीय वर्ष परिपूर्ण हवाए किंचित परिमाण समय बाकी रही छे, परिपूर्ण होले अवश्य तुम्हारी इंद्रदेवी इंद्रालय पहुंचे देवे। 12 वर्ष पूर्ण मात्र 6 दिन बचा है। पिता को इंद्रदेव जे सकल शक्ति दिले सकल शक्ति सत्य पिता किंतु इते कोनो प्रमाण होचे ना जे बेहुलार स्वामी अमर नंदा दंशन होई छी तई इंद्रदेव रे कोनो साक्षी आमी मानी ना पिता ताले ए जे इंद्रदेव बोले के छे से साक्षी टे तुमि मानो ना ताई ना पिता ना बेहुला पाडीलो साक्षी जमराज देखि जानिया तुमि केनो ना दाउ तो काय हवे जमादी महेशा ए देव सवर मधरे जा बोलिबो सत्य बोलिबो ताय तो सत्य सत्य छरा मिथ्या बोलिबो ना जो मेरा है तब चरण सत करे पड़ना जो भाई हम क्या बोलना चाहते जो महाराज बोले विश्व हरि मोम संग दंड करी ये ने छिले दुटी जीव तुम्हें भिक्षा करी प्राणो निये छिले तुम्हें ओई ना समुद्र कूले सत्य जमेला आर विवाद अमर हाउ तुम्हें एई देव सभार माधरे दाओ लखिंदरेर जीव दान दाओ যদি লক্ষিন্দরের জীবদান যদি তুমি না দাও তবে কি হতে পারে তোমার এই দেব সমাজে তুমি ভাঙতে পারিস নি পিতা গো হ্যাঁ মারি পারে নিয়ে যাব জমপুরি কি করিতে পারবে এই দেব সবার মাঝারে তোমার পিতা তিরপুরারি দাঁড়াও 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 জামরা পিতা গো জমের রাজ্যে সকল শক্তি দিলে সকল শক্তি সত্যি পিতা কিন্তু এতে কোন প্রমাণ হচ্ছে না আমার নাক দ্বারা বেহুলার স্বামীর দংশন হয়েছে তাই জমরাজের কোন শক্তি আমি মানি না পিতা তাই বসো জামরা দেবাদি মহেশ তাহলে এই দেব সভার মাঝে আমার শক্তি মানা যাবে না হ্যাঁ তুমি জানো না তার স্বামীকে কোন নাগে খেয়েছে সেটা তুমি জানো সে কথা বলতে পারবো না কিন্তু মৃত্যু হয়েছে তার হ্যাঁ মৃত্যু হয়েছে কোন সাপে তাকে দংশন করেছে সেটা তো তুমি জানো না আমি জানি না তাহলে বসো তাইলে বেহুলা সুন্দরী তোমার কাছে কিছু প্রমাণ আছে যে তাপিষ্ঠ কালিয়ানা আমার স্বামীকে দংশন করেছে তার লেজ কেটে আমি যেন অঞ্চলে বেঁধে রেখেছি না তাহলে মনসা দেখতে পা এটা তোমার সর্পের লেজ না অন্য কিছুর লেজ পিতা এ তো কোন সর্পের লেজ নয় পিতা তাইলে এটা ইঁদুর কিংবা গোধিকার অর্থাৎ গাভীর লেজ হ্যাঁ এ কোন সর্পের লেজ নয় মনে হয় টিকটিকির লেজ পিতা ও তাহলে মনসা পিতা গো এই যে স্বর্গ মর্ত পাতালে যত তোমায় নাক গণ আছে এই কৈলাস পর্বত তুমি ডাকন কর বেশ পিতা বেশ তোমারই কথা মতো স্বর্গ মর্ত পাতালে আমার অষ্টকোটি নাককে এই দেব সভা মাঝারি আহ্বান করিব আমি হ্যাঁ হ্যাঁ স্বর্গ মর্ত পাতাল ত্রিভুবনে এক এক অষ্টকোটি নাককে করেছি আমি স্মরণ তাইলে বেহুলা বলে কি খুঁজে নিতে বলো কোন নাক দ্বারা তার স্বামী তাই বলেছে তাইলে বেহুলা দেখো তো এই যে কৈলাস পর্বতে অষ্টকোটি নাগ এসেছে তাইলে তোমার স্বামীকে কোন নাগে দংশন করেছে কি সকল নাগের কল্যাণ লেখা পাপিষ্ঠ কালিয়ার সঙ্গে না হইল দেখা তার সঙ্গে সঙ্গে তুমি স্বামী দাও চেয়ে যাও
हमारे जितने भी माता बहन भाई है, ये जो बिहला सुंदरी अपने पति के लिए मनोसा देवी से आप लोग के पास जाएगी, सभी इसको भिक्षा दो, जिस जो कि मनोसा देवी इसकी पति को जीवदान कर दे। पाको दिया सीबे दिया।